भारत चीन वार्ता के बाद गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं चीनी सैनिक। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 9,014 हुई। और पटना जंक्शन से देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए चलेंगी निजी ट्रेन। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्श ने राष्ट्र को लोगों का संबल बना दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 119वीं जयंती है। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि डॉक्टर मुखर्जी एक समर्पित राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने भारत के विकास में असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने देश की एकता को मजबूत करने के लिए प्रेरणादायक प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। भारत चीन सीमा पर कायम गतिरोध को देखते हुए भारत की ओर से सीमा पर सैनिकों की तैनाती के इंतजाम और आवश्यक संसाधन जुटाने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद और देश में कोरोना की स्थिति से अवगत कराया। इस बीच भारत और चीन के बीच हाल के घटनाक्रम पर विस्तार से और स्पष्ट बातचीत हुई है। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत की। खबरों के अनुसार भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के स्तर पर भी वार्ता हुई है। इस बीच सेना के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार गलवान घाटी से चीन की सेना अब पीछे हटने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 280 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 3,028 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 9,014 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 249 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल पाए जाने वाले मामलों का 0.8% है। ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 9,014। जहां तक COVID-19 इन्फेक्टेड व्यक्तियों में रिकवरी के दर का प्रश्न है, बिहार राज्य में यह दर 74.25% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह रिकवरी रेट वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 60.86% है। केंद्र सरकार ने देश भर में निजी ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में पटना क्लस्टर के 10 रूटों पर यात्रियों की सुविधा के लिए निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे के सूचना और जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि पटना क्लस्टर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनें पटना से नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हावड़ा और मुंबई के लिए चलेंगी। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इसमें पूर्व मध्य रेलवे का जो पटना क्लस्टर है वह भी शामिल है, और अभी जो वर्तमान योजना है उसके तहत 10 ट्रेनें, मतलब 10 डेस्टिनेशन के लिए ट्रेनें पटना से चलेंगी। नहीं, अभी जो ये प्रस्ताव है ये क्लस्टर वाइज है, तो पटना से प्रमुख जो हमारे देश के अन्य शहर हैं वहां के लिए ट्रेनें चलेंगी। कोसी क्षेत्र में प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए निजी कंपनियों ने 5 जिलों में रोजगार कैंप का आयोजन किया। इसी कड़ी में सहरसा जिले में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र पर निजी कंपनियों ने रोजगार कैंप का आयोजन कर बेरोजगार कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति की जा रही है। ये जानकारी देते हुए सहायक निदेशक नियोजन
निशांत कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रवासी कामगारों के लिए अपने गृह जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। जिला प्रशासन के आदेश पर पूरे कोसी प्रमंडल में प्रत्येक जिले में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया गया है और जुलाई माह में प्रत्येक जिले में 5 कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित करके बेरोजगारों को नियोजित कराने का प्रयास। इधर मोतिहारी जिले में पिछले 26 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान श्रम संसाधन विभाग और एक निजी फार्मा कंपनी ने जिले की 15 महिलाओं समेत कुल 17 अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया है, जिन्हें जिलाधिकारी ने आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कपिल अशोक ने बताया कि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर योजना को ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया से बल मिल रहा है। श्रमिकों को हमको समयबद्ध तरीके से जॉब उपलब्ध कराना है, उसी कड़ी में आज जो है लगभग 15 महिलाओं को जो है टीचर्स का जॉब यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। साथ ही एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पे ऑफिसर का उन्होंने जॉब दिया है। जो हम रोजगार मेला लगाया था, हम लोगों ने आवेदन किया था, आज हम लोग को इससे रोजगार मिल गया और हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। 15 जुलाई से हम लोग का वर्क शुरू हो जाएगा और हम लोग पूरे जिम्मेवारी से अपना वर्क करेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है। हर साल सोमवारी पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने श्रावणी मेले पर रोक लगा दी है। इसी कड़ी में आज शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति कम देखी गई। चंद्रमा को शीश पर होने के कारण आज सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज भगवान भोले का विशेष पूजन पाठ रुद्रा विशेष ये सब करने का बहुत पुण्य फल है। हाँ, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, शिव मंदिर में आना जाना लगा ही रहता है। इधर राजधानी पटना के महावीर मंदिर में सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जलाभिषेक का आयोजन किया गया। शिव भक्तों का कहना है कि श्रावणी मेले पर सरकार की ओर से रोक लगाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, भक्त घर पर भी बाबा पूजा आराधना कर सकते हैं। आज मैंने सोमवार का व्रत भी रखा है, यहाँ की पूजा करने आई हूँ और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, कोरोना से बचने के लिए मास्क भी लगाएं। कोई भक्तों में कोई परेशानी नहीं हो रही है, अगर भक्त चाहे तो घर पे भी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, भीड़ भाड़ से बचे। और लॉकडाउन भले ही खुल गया है पर उसका अनादर ना करें, उसका पालन करें। इस बीच श्रावणी मेले पर सरकार की ओर से रोक लगाए जाने से मेले से जुड़े व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि एक महीने की श्रावणी मेले की आय से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। मेले के आयोजन पर रोक लगने से उनके चेहरे पर उदासी देखी जा रही है। देखिए, समस्या तो खड़ी हो गई है, क्योंकि जो ये श्रावणी मेला था, समझा जाए कि मजदूर वर्गों के लिए ज़्यादातर और कुछ छोटे व्यवसायी लोगों के लिए एक जीवन यापन का बहुत बड़ा एक साधन था। एक महीना कमाता था, साल भर खाता था। अभी कोई पति नहीं कर रहा है सरकार, अभी मेला चलेगा कि नहीं चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। भोला बाबा के भक्त के अथी करै छलिए मेहनत, तो हमरो कुछ होइ छलै, केना के जीवै, बाँस बत्ती सब धरलो छै, कोई ठार पता नहीं छै कि की करलो जाए, छतमत में छिए कि बाहरो से लोग भगा छै, कहाँ कमाए।
प्रधानमंत्री अन्न योजना और रोजगार अभियान योजना के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं से लोगों को उम्मीद है कि आगे भी उन्हें फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री के इन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। के लिए 125 दिन के योजना निकाला है और हम लोग बाहर में रहते हैं, कमाते हैं, इस योजना से हम लोग को लाभ मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण रोजगार योजना निकाले हैं उससे हमारे पंचायत में मजदूर को काम मिलेगा। मोदी के तरफ से काम मिला है हम लोग को जी, अब हम लोग को बाहर नहीं जाना है, ग्रामीण में कमाना है। मेरा नाम गजेंद्र कुमार है, घर बिशनपुर है, जिला सहरसा। हम लोग रोजगार में काम कर रहे हैं। मोदी जी हम लोग को रोजगार बहुत अच्छा दिया है और मोदी जी के तरफ से हम लोग को प्रधानमंत्री में जो आता है चावल, गेहूँ और दाल, 25 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो दाल मिल रहा है चना का। रोजगार हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कुमार पासवान, घर खजूरी, जिला सहरसा। 25 किलो अनाज मिला है, 1 किलो दाल। प्रधानमंत्री को प्रणाम। हमारा नाम संजय कुमार राय है, हम समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। हमारा गांव दादपुर चकनूर पंचायत में है। 3 महीना के 3रा महीना के हमारा अनाज मिल गया है। अब कोरोना के अथी में जो सरकार ने हेल्प की है प्रधानमंत्री जी, वो बड़े लाभदायक है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश में आगामी 10 जुलाई तक भारी बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी। इधर राजधानी पटना में आज बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इस वर्ष मार्च में संपन्न पुलिस बहाली की लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद नवादा में लड़कियां शारीरिक शिक्षा की तैयारी कर रही हैं। कोरोना ने इनके हौसले को कम नहीं किया है। कोरोना के इस माहौल में जब सब कुछ बंद था तब भी ग्रामीण परिवेश से आई ये लड़कियां पुलिस बहाली के लिए अपनी तैयारी कर रही थी। एक रिपोर्ट कर रही हैं। दरअसल बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा मार्च में संपन्न हो गई थी लेकिन परिणाम नहीं आए थे। लॉकडाउन के कारण अभ्यास करने का मौका नहीं मिला। जब अनलॉक 1 हुआ और बाहर आने की छूट मिली तब से ये लगातार अभ्यास कर रही हैं। कोरोना के चलते हम लोग का एग्जाम थोड़ा सा लग रहा था कि एग्जाम नहीं है आया रिजल्ट, तो नर्वस हो गए थे, तो रिजल्ट आया तो हम लोग को खुशी हुआ कि चलो भाई आ गया रिजल्ट, तो फिजिकल की तैयारी करते हैं हम लोग, सुबह शाम आके यहाँ पे फिजिकल करते हैं। इनकी तैयारी करा रहे प्रशिक्षक कीर्ति रंजन कहते हैं कि लड़कियां उत्साह से परिपूर्ण हैं। पिछली बार भी इनका 100% चयन हुआ था, इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। इससे पहले बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कराया था जिसमें 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लड़का लोग का, और लड़की लोग का लगभग जितना थी 20-22 जितना थी सबका सिलेक्शन हो गया। पहले तो आई थी तो 2 चक्कर नहीं दौड़ पाती थी बढ़िया से, लेकिन अब जितना लड़का लोग दौड़ता है उतना लड़की लोग भी दौड़ रही। इनमें से अनेक लड़कियां निर्धन साधनहीन ग्रामीण परिवार से आती हैं। पूनम कहती हैं कि वे अपने परिवार का सपना पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, इसीलिए मैं अपने तरफ से हर कोशिश कर रही हूं कि इसको मैं इस जो बिहार पुलिस का जो हम रिजल्ट पास किए हैं उसके लिए आगे जो फिजिकल होगा उसमें हम अच्छे से अच्छे से तैयारी करें ताकि अपने परिवार का साथ दे सके आगे के लिए, और यही मेरे माता पिता का उद्देश्य है ताकि हम अपने जीवन में सफल। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे समर्पित राष्ट्रभक्त। भारत चीन वार्ता के बाद गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं चीनी सैनिक। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 9014 हुई।
और पटना जंक्शन से देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए चलेंगी निजी ट्रेनें।